कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। जी दोस्त, गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल में देखा होगा आपने, है ना। हाँ जी, किसी और ने चीज नोट की जी? कॉर्पोरेट मेंबर्स की बात आ रही थी और बात आ रही थी इंडिविजुअल्स की। कॉर्पोरेट मेंबर्स क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। कॉर्पोरेट मेंबर्स क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। जिसमें देखा था ना, क्यू मोबाइल की एक एग्जाम्पल बनाई थी, वो क्या है? कॉर्पोरेट मेंबर है। क्या लिखा हुआ है? जुमला पढ़ो उधर। बताया हुआ ना उसने, क्या बताया हुआ कि जी कॉर्पोरेट मेंबर्स जो हैं वो इतने हैं। कितने हैं? 14। तो यानी इसका मतलब है इस कंपनी के आर्टिफिशियल मेंबर्स कितने हैं? 14 हैं। ओके, और दूसरा सेंटेंस क्या है? इंडिविजुअल्स, वो कौन से हैं? नेचुरल लोग हैं। ठीक है, ओके। तो कॉर्पोरेट मेंबर्स का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, एक कंपनी की मेंबर दूसरी कंपनी का रिलेशनशिप ये एस्टैब्लिश हुआ होगा। ओके, गुड, अच्छी बात है, पढ़ा है। यही वाली एक बात थी जिसका मैं कल जिक्र कर रहा था कि ये एक चीज कभी कभार स्टूडेंट्स को इस एग्जांपल में कंफ्यूज करती है कि कॉर्पोरेट मेंबर्स क्या हैं। जी दोस्त, वोटिंग सिक्योरिटी, ध्यान से बात समझिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि शेयर्स के साथ राइट्स एसोसिएटेड होते हैं, याद है? उसमें मैंने बताया था डिविडेंड मिलता है, उसमें मैंने क्या बताया था, मीटिंग में आने का अख्तियार भी मिलता है आपको, उस मीटिंग में ना वोट डालने का राइट भी मिलता है आपको। ओके, तो जब शेयर आपके पास होता है, आप मालिक भी होते हो, डिविडेंड भी हासिल करते हो, वोट भी डालते हो मीटिंग्स में आके, सो वोटिंग सिक्योरिटीज का मतलब ये है कि वो ऐसा शेयर जो कि आपको वोट डालने का हक भी देता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? जी, जी मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। हाँ जी, किसी और को ये कन्फ्यूजन नहीं हुई कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो आखिरी प्रोवाइजर है ये क्या है? मैंने सर ने बताया था कि मैं आगे जाकर फिर भी बताऊंगा, अगर किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी तो मे बी उसने उस चक्कर में छोड़ दिया। चलो मैं बताता हूँ एक तरीके से। और हमारा ना एक इदारा है जिसका मैंने कल आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करवाया था, आज अंदर उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि लॉ मेकर है और लॉ इन्फोर्सर है, विच इज एस ई सी पी। ये लॉ मेकर है, लॉ इन्फोर्सर है। इसके लिए इस जुमले में जो फ्रेज यूज हुआ है वो हुआ है कमीशन, उसको अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, मैंने कल भी शायद बताया था। SECP, सो SECP क्या करता है? SECP लॉ मेकर है और लॉ इन्फोर्सर है।
और आगे एक फ्रेज यूज हुआ हुआ है सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज। सिक्योरिटीज एक्सचेंज क्या है? PSX है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ओके, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ कंपनी, ये भी कंपनी की टाइप है। या चलो एक और, कोई भी एंटिटी ले लो, कोई भी कंपनी ले लो जिसके अंदर इस SECP ने, जो कि लॉ मेकर है, अपनी लॉ के अंदर गिवन पावर का इस्तेमाल करते हुए यहां पे भी बोर्ड पे लोग बिठा दिए, किसी और कंपनी के बोर्ड पे भी लोग बिठा दिए। सो हम ये कह रहे हैं कि यार SECP ने अंडर द लॉ अपनी पावर का इख्तियार करते हुए, जो है इस्तेमाल करते हुए, PSX में या किसी और एंटिटी के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से बिठा दिए। ये किसका बनाया गया इदारा है? गवर्नमेंट का। ये किसका बनाया गया इदारा है? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के एक इदारे ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, तो लगता यूं है, लगता यूं है कि ये जो है पब्लिक सेक्टर एंटिटीज बन गए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बनाए गए इदारे ने डायरेक्टर्स चूज करवाया ना। लेकिन हम कहते हैं कि जी ऐसा नहीं होगा, ये अंडर द लॉ इनके पास इख्तियार था। उन्होंने ये काम इसलिए किया, यार यहाँ पे कुछ हमारे लोग होने चाहिए, इधर कंपनी में शायद कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे हमें कुछ लेके अपने लोग आने चाहिए ताकि इस चीज़ को ज़रा मॉनिटर कर सकें। ये मकसद है इस चीज़ का। ओके, अब जरा पढ़ें जुमला। ये प्रोवाइडेड दैट द नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कमीशन, आगे ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज, ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड एनी अदर एंटिटी, यानी कोई और, कोई इसने आगे से एक एंटिटी बनाई है, शैल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। लगता ये है ना कि गवर्नमेंट क्या इदारा था इसने बना दिए, लेकिन ये अंडर द लॉ ऑथराइज नहीं कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो इसके केस में अगर अपॉइंटमेंट हुई है, SECP ने अपॉइंटमेंट की है, तो उस केस के अंदर पब्लिक सेक्टर कंपनी का ताल्लुक नहीं जुड़ेगा। डायरेक्टली और थ्रू एनी बडी अदर देन SECP, ओके, डायरेक्टली और थ्रू एनी बडी अदर देन SECP, क्योंकि हमने पढ़ा ना डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों बातें लिखी हैं, थ्रू एजेंट। ओके, सो मे बी ये तो एजेंट लग रहा है यहाँ पे, लेकिन SECP जो है वो आउट है, वो नहीं है जी इस डेफिनेशन के अंदर, वो नहीं कॉल कर रहा होगा, क्योंकि वो लॉ मेकर है, लॉ इन्फोर्सर है, वो कोई चीज़ यहाँ पे लेके आ सकता है। गुड, हाँ जी, एनीथिंग एल्स? समझ आ गई है सबको बात? ठीक है, बना लीजिएगा बेशक ये कि ओके जी SECP है, दो एंटिटीज हैं, क्योंकि जुमले में नहीं बातें लिखी हुई हैं। ओके, फिर जी लॉ मेकर है, ये गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया इसको, लेकिन ये जो है उस तरह से कनेक्शन नहीं जोड़ेगा। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? जी, दोस्त जी, हाँ जी, देखो अगर आप कह रहे हो कि जी गवर्नमेंट के पास शेयर्स हैं, सो फिर ये मामला होगा, SECP शेयर्स नहीं होल्ड करती कंपनी में, इसका काम ये नहीं है। ओके, इनका काम ये नहीं है, ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये लॉ मेकर है। ठीक है, इनका काम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाना नहीं है। कहाँ से बात आई है? सॉरी, अच्छा मास्क पहना था इसलिए पता नहीं चला। ओके, जॉइंट शेयर होल्डर्स, दोस्त जॉइंट शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है, इसके अंदर पैसे पड़े हैं, ये बॉक्स तो एक है ना, इसमें से पैसे बाहर निकालने के लिए मिस्टर ए के पैसे भी चाहिए और मिसेज ए के पैसे भी चाहिए। ठीक है, दो लोगों के आपको, सॉरी, साइन चाहिए, मिस्टर ए एंड मिस्टर मिसेज ए, इन दोनों के साइन चाहिए इस अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने के लिए। तो ये दो लोग हैं जो कि इस अकाउंट को जॉइंटली ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। लॉ ये कहता है कि अगर इसी तरह ही एक शेयर है, एक शेयर है, उसको दो तीन चार लोग, जितने भी शेयर जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं लोग, तो हम ये कहेंगे कि वो जो 50 की कैलकुलेशन थी ना, उसमें ये हिस्सा कितना कंसिडर होगा? 1 कंसिडर होगा। नजर ही आता है कि 1, 2, 3, 4 लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, ये जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं। तो ये जॉइंटली अगर एक हिस्से को होल्ड कर रहे हैं या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स को इकट्ठे होल्ड कर रहे हैं, तो हम इनको एक शेयर होल्डर कहेंगे। ओके, मल्टीपल शेयर होल्डर नहीं कहेंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? मिस, प्राइवेट कंपनी के अंदर तो 50 हो सकते हैं, जॉइंट शेयर होल्डर्स मिला लें आप, वो तो कोई उसके ऊपर स्टॉपेज नहीं है। फर्ज करें आपने 10 एक ही शेयर के चंक के ऊपर 10 शेयर होल्डर्स भी बिठा दिए, तो वो इस कैलकुलेशन के लिए एक ही कंसिडर होंगे। ओके, सो आपने बस ये देखना है कि इस फॉर्मूला के तहत 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में। ओके, वरना प्राइवेट कंपनी रहेगी नहीं। जी, एनीथिंग? गुड, क्वेश्चन जब आते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने पढ़ा है, क्वेश्चन जब आते हैं तो इसका मतलब है आप लोगों ने जो है वो चीज़ को तैयार किया है, दिखा है, इट इज़ ऑलवेज इनकरेजिंग। जी, सर, तो
जी हाँ निवेश, हम लोगों ने ना इस हफ्ते के एंड पे ना एक और एंटिटी का फीचर पढ़ना है जो कि है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। मैंने हल्का सा जब टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ाई थी ना तो उसके बारे में बताया ये था कि गवर्नमेंट से एसोसिएट हो सकती है आपकी एक ऐसी कंपनी जो कि गारंटी लिमिटेड है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है और वो क्या कर रही है, फलाही काम कर रही है। जो कंपनी गारंटी लिमिटेड होगी, फलाही काम कर रही होगी, ये है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। हम पढ़ेंगे इस बारे में, हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा दोबारा से कि ये कंपनी वहाँ पे टाइप में टैग हुई थी। अगर ये कंपनी जो कि फलाही काम कर रही है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ने इसके पीछे गारंटी किया हुआ है, सो ये क्या कहलाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी क्योंकि गवर्नमेंट इसके पीछे है और क्योंकि ये एक फलाही काम के लिए बनी है तो ये पब्लिक सेक्टर नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन कहलाएगी। थोड़ा सा आगे जाकर ना कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ओन कर रही है तो किसकी कंपनी होगी, गवर्नमेंट की, और उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करते हैं, पब्लिक सेक्टर का। ओके, फलाही जा रहा है, गवर्नमेंट चला रहा है, तो हम उसके लिए गवर्नमेंट के साथ जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी का फ्रेज यूज करते हैं। जी एनीथिंग, एनीथिंग, गुड जी, गुड, पढ़ा आप लोगों ने, अच्छी बात है। साथ साथ अगर पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ अपनी चीज़ों का अपडेट रखा हुआ है तो इट इज़ गुड। आप लोगों की जो तैयारी है साथ साथ होती चली जाएगी, आप लोगों को कहीं डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, क्योंकि देखो आहिस्ता 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 हमारा स्कोर्स ऐसे ही आगे चलता चला जा रहा है, देख रहे हो, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जी 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 सर, इसमें जी मिस, मैंने बताया ये था कि बॉडी कॉर्पोरेट का जो सेटअप है वो बहुत सारे स्टेट्यूट्स के अंदर लिखा हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा। जैसे मैंने पीसीबी की एग्जांपल दी थी, एनएचए की एग्जांपल दी थी, एसबीबी की एग्जांपल दी थी, इसी तरह ही एक बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड किसी कॉपरेटिव सोसाइटी के स्टैट्यूट में भी लिखा हो सकता है। ओके, लिखा हो सकता है कि ये बॉडी कॉपरेट है, तो अगर हम देखेंगे कि किसी स्टैट्यूट में ये लिखा हुआ है कि ये बॉडी कॉपरेट है तो उसको तो कंपनीज एक्ट में जहाँ जहाँ लिखा होगा कि ये चीज़ बॉडी कॉपरेट पे अप्लाई होती है, से फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में कि ऑडिट करवाना है बॉडी कॉपरेट में, तो वो पीसीबी को भी करवाना पड़ेगा, इस बॉडी कॉपरेट को भी करवाना पड़ेगा जो कि कॉपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन इनके लिए ये फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो लॉ ने क्या किया, इनको एक्सेप्शन दे दिया। उन्होंने जब ये फ्रेज यूज़ किया तो उन्होंने कहा कि जी इस कंपनीज एक्ट के लिए, इवन दो अगर कोई कॉपरेटिव सोसाइटी के स्टैट्यूट में ये बात लिखी भी होगी कि ये बॉडी कॉपरेट है, तो हम कंपनीज एक्ट के अंदर उसको बॉडी कॉपरेट कंसिडर नहीं करेंगे। यानी उस कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की हमने एग्जाम्पल ली थी, उसको कंपनीज एक्ट की ये वाली बातें मानने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी, एनीथिंग, एनीथिंग, चलें आगे, फिर चलें जी आगे। ओके जी, गुड, गुड जी, चलें जी। ओके, कल जी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू किया, वो था कि कंपनीज में कनेक्टिविटी कैसे होती है, वो था कि कंपनीज में कनेक्टिविटी कैसे होती है। हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि इंडिविजुअल्स और कंपनी में कनेक्टिविटी कैसे, नो नो नो, वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैंने कल भी आप लोगों को ये पॉइंट एम्फसाइज करके कहा था कि ये जो टॉपिक है होल्डिंग एंड सब्सिडरी का, ये शेयर होल्डर एंड कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कंपनी टू कंपनी का कॉन्सेप्ट है। होल्डिंग कंपनी होती है और सब्सिडरी कंपनी होती है। हमने ये देखा यदि कंपनीज भी आपस में, जैसा नेचुरल लोग कनेक्ट होते हैं, इस तरह कंपनीज भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो सकती हैं, कनेक्टेड हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट करके अपने पर्पजेस को अचीव कर रही हो सकती हैं। हमने ये देखा कि डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें जो डेफिनेशन नजर आएगी वो डेफिनेशन होगी सब्सिडरी कंपनी की। वो डेफिनेशन किसकी होगी, सब्सिडरी कंपनी की। हमें होल्डिंग कंपनी की कोई खास डेफिनेशन नजर अब नहीं आती। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में बस ये लिखा हुआ है जिसकी कोई सब्सिडरी है वो होल्डिंग कंपनी है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि सब्सिडरी आखिर क्या होती है। कल मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी कि अगर एक कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स कोई और कंपनी होल्ड कर रही है, से फॉर एग्जांपल 70% शेयर्स पैकेजेस मॉल लिमिटेड के पैकेजेस लिमिटेड होल्ड कर रहा है, तो पैकेजेस मॉल जो है ये क्या है, सब्सिडरी है, और जो पैकेजेस लिमिटेड है ये क्या है, होल्डिंग कंपनी है। ये क्या है जी, होल्डिंग कंपनी है। पहले ही हम लोगों ने चीज ये देखी थी और ये हमने एस्टैब्लिश किया था कि ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, दूसरी चीज हमने क्या देखी
हमने ये देखा कि यार पैकेजेस पावर के ऊपर ना 7 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से 4 जो है ना वो अपॉइंट करने का इख्तियार किसके पास है, पैकेजेस मॉल के पास है। 7 में से 4 डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन को डिसाइड कौन करेगा, पैकेजेस मॉल कर रहा होगा, चाहे शेयर होल्डिंग नहीं है, चाहे शेयर होल्डिंग 50% प्लस नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि आपने ये देख लेना है कि पावर टू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड क्या किसी एंटिटी के पास है, एक कंपनी की, तो जिसके बोर्ड की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल किया जा रहा होगा वो कौन है, सब्सिडरी, और जो कंट्रोल कर रहा होगा वो कौन है, होल्डिंग कंपनी है। ओके, कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई क्वेश्चन यहां तक, ओके। फिर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे चीज वो ये था कि ये कंट्रोल कैसे आएगा, ये कंट्रोल कैसे आएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास ये कंट्रोल तब आएगा जब आपके पास एक पावर होगी, ये कंट्रोल तब आएगा जब आपके पास एक पावर होगी। क्या पावर, कि आप रिमूव कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो मेजॉरिटी या सारे डायरेक्टर्स के। देखो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना कि 7 में से 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, रिमूव करने का हक पैकेजेस मॉल के पास है। तो हम ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे ये जो हक इनके पास है इसकी वजह से ये होल्डिंग बन गए हैं, हक इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसका हक यूज किया जा रहा है, जिस कंपनी के ऊपर ये राइट यूज किया जा रहा है वो कौन है, सब्सिडरी कंपनी है। कोई क्वेश्चन यहां तक, कोई क्वेश्चन यहां तक, चले आगे। जी दोस्त, दोस्त मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का मतलब ये कि जितने भी डायरेक्टर्स है ना उसमें से 50% से ज्यादा, 7 है ना, तो मेजॉरिटी कितने होंगे इसमें से, 4 होंगे ना, ठीक है 4 होंगे, 3 नहीं है मेजॉरिटी, 3 मेजॉरिटी नहीं है। जी दोस्त, जी दोस्त, हो सकता है, अभी बताता हूँ, ठीक है अभी बताता हूँ। ओके ओके, नहीं जी, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, ओके। तो जी पावर टू रिमूव अ पॉइंट मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स, ये कैसे आखिर जो है हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे दोस्त ने पूछा कि सर शेयर होल्डिंग के अलावा ये बात समझ नहीं आती ये किस तरह से होगी। अगर देखो सिर्फ पहला पॉइंट, यस, ये जो पावर टू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड है, अगर आपके पास 50% प्लस शेयर होल्डिंग है तो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट आपके पास आ जाएगा, ये कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड आपके पास आ जाएगी। लेकिन क्या फिर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कोई फर्क है, फिर इन दोनों पॉइंट में कोई फर्क तो नहीं है। सिंपल, आपने ये कहा कि जी 50% प्लस शेयर होल्डिंग है उसकी वजह से ये अख्तियार मिल गया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम हो गया। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ और तरीके जरूर होंगे अदर देन शेयर होल्डिंग जिसकी वजह से ये इख्तियार हमें मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इख्तियार हमें मिल जाता है। वो क्या जी, वो ये है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो ये है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ताकि जिस पार ये कहे कि यार हमारे पास जो लोग हैं ना वो तो मॉल चलाने के अंदर एक्सपर्ट हैं, पैकेजेस जो है वो पावर एक और कंपनी के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट कर ले, एक और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि ये एक अदर कंपनी, ठीक है, ABC पावर लिमिटेड को हम इख्तियार दे रहे हैं, पैकेजेस मॉल ये इख्तियार दे रहा है, ठीक है, पैकेजेस मॉल ये इख्तियार दे रहा है, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट करके कंपनी बनाई है ना, तो शेयर होल्डिंग तो प्रॉब्ली इनकी है। ये ही इख्तियार एक और कंपनी को दे रहे हैं कि आप हमारे लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतखाब कर दिया करें। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उन्होंने कि पैकेजेस पावर के अब जो भी डायरेक्टर्स होंगे वो ABC पावर लिमिटेड अपॉइंट करेगी, क्योंकि इनके पास शायद एक्सपर्टीज नहीं थी ये वाले लोग या ये वाली कंपनी चलाने की। उन्होंने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमारे यहाँ जो भी जो है डायरेक्टर्स हुआ करेंगे वो आप लेके आया करेंगे, हमने ये इख्तियार दे दिया उनको, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि शेयर होल्डिंग तो हमारे पास है, लेकिन हमने ये इख्तियार उनको डेलीगेट कर दिया है। तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से हैंडशेक कर लिया, जब हम ये काम कर लेंगे तब भी ये चीज कंट्रोल एस्टैब्लिश करेगी, क्योंकि अब उस ABC पावर लिमिटेड के पास कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड का इख्तियार आ गया है। कोई क्वेश्चन इस सवाल का ना जवाब, क्या नाम है दोस्त, मुस्तफा, कल याद है मैंने एक बात बताई थी कि ये या ये जो रिलेशनशिप था ये था डायरेक्ट और ये रिलेशनशिप था इनडायरेक्ट, है ना, तो इसका क्या मतलब था, मैंने बताया था कि पैकेजेस पावर की 2 होल्डिंग कंपनीज हो सकती हैं, याद है ये बात मैंने कल भी बताई थी, है ना। तो इट इज नॉट वेरी अनकॉमन कि हम ये बात देखें कि यार आपकी होल्डिंग कंपनीज 2 नजर आ रही हैं, बिल्कुल 2 नजर आ रही हैं, दोनों ही डेफिनेशन मीट कर रही हैं, ओके, दोनों ही डेफिनेशन मीट कर रही हैं, ओके। लेकिन एक बात, इस तरह का काम एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसिस में होता है, ओके, इस तरह का काम एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसिस में होता है, ओके, क्योंकि देखो ये काम के कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ करेंगे शेयर होल्डर की कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता, जो पैकेजेस मॉलर्स की कंसेंट के बगैर ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा,
ओके तो जब वो ही मेजोरिटी शेयर होल्ड करके बैठे हैं, जब उनको ये यकीन है यार हम प्रॉब्ली जो है वो इस कंपनी को अच्छे तरीके से डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा के चला नहीं सकते, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वो किसी के साथ करें। ओके जी, एनीथिंग क्लियर है? क्लियर है? ले जी, जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपके बोर्ड पे मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट हम इख्तियार जो है वो यूज करेंगे। ओके अच्छा, गवर्नमेंट भी ऐसा काम बिला वजह नहीं करेगी, गवर्नमेंट भी ऐसा काम बिला वजह नहीं करेगी। इस तरह का काम गवर्नमेंट करती है आपके आईपीपीज के कॉन्सेप्ट में। आईपीपीज का नाम सुना है कभी? इंडिपेंडेंट पावर परचेज कंपनीज, पावर प्रोडक्शन कंपनीज। जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, दिस इज समथिंग विच वी नो, है ना? आप लोगों के जब एक टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत शॉर्टेज होगी तो फिर बहुत सारी हम लोगों ने इंडिपेंडेंट पावर परचेज कंपनीज बनाई जो कि इलेक्ट्रिसिटी बना के किसको सेल कर रही थी? गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक था, वो कहते थे कि यार इस तरह की कंपनी में ना हमारे पास ये हक होना चाहिए, तो हम लॉ में ये हक रख लेते हैं अपने पास कि अगर हम चाहेंगे तो हम कंपनीज को ये कह देंगे कि जी हम बीइंग अ गवर्नमेंट आपके डायरेक्टर्स के अंदर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपनी तरफ से लेके आ रहे हैं, तो ये फिर कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास। और ना सिर्फ ये कंट्रोल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और जो गवर्नमेंट की कंपनी ये काम कर रही होगी वो होल्डिंग कहलाएगी, बल्कि साथ ही साथ ये कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी भी कहला रही होगी। ध्यान से बात समझो, फिर मैंने ये कहा कि कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, गवर्नमेंट ने आपके पास कह दिया मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करेंगे। जब ये अख्तियार गवर्नमेंट के पास चला गया तो गवर्नमेंट की जिस भी एंटिटी ने ये अपॉइंटमेंट की आपके लिए वो आपकी होल्डिंग भी बन गई है और आपकी कंपनी जो सब्सिडरी है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी भी बन गई है। ओके कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन जी? नहीं दोस्त, हाँ जी, जरूरी नहीं है। देखो मैंने अगेन यही वाली बात बताई कि ये डेफिनेशन मीट होगी या ये डेफिनेशन मीट होगी, और जो कल आपने पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें भी यही वाली बात है कि आपके पास मेजॉरिटी शेयर हो या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट, ठीक है? वहां पे गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट जो है वो जो है इनको यहाँ पे दे दिया। क्या शरारतें करी जा रही हो आज, फिर ना तंग करो एक दूसरे को, पढ़ लो, शरारतें करी जा रहे हैं मुसलसल। चलें जी आगे, हैं इजाजत है? हैं इजाजत जी? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। एनीथिंग? एनीथिंग? किताब पे आए जी, किताब पे आए। टू पॉइंट फोर है जी, पेज नंबर 8 पे, 2.4 पेज नंबर 8। फिर लेट आयो दोनों, बीस मिनट लेट आते हैं, आधा घंटा लेट आते हैं। आधा पेपर आता होगा, 60% पेपर आता होगा, बाकी नहीं आता होगा। ये कहाँ से आ गया पेपर है? फिर क्या करोगे? अच्छा जी, पास आता होगा, उसमें से आपने आधी गलतियां कर देनी है। टाइम पे आया करो, लेट नहीं होना। ओके ये जी, सो जी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के बारे में इसने क्या कहा? होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट सब्सिडरी। सिंपल सी बात है, वो कह रहे कि यार होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरी है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरी है। अगर किसी की कोई सब्सिडरी नहीं है तो वो होल्डिंग नहीं है, ये बात कर रहा है, ठीक है? आगे और ये सब्सिडरी कंपनी को देखो जरा। सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, जो हमने दूसरा वाला पॉइंट डिस्कस किया, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ, याद रखना मोर देन वन हाफ, वन हाफ नहीं है, मोर देन वन हाफ, मैंने भी 50% प्लस लिखा हुआ। ओके, वो मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। ये देखो, ईदर बाय इटसेल्फ और ये वाली भी तो है ना, टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी, अपनी सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सो ईदर बाय इटसेल्फ डायरेक्ट
या थ्रू वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरीज, तो ये वाला कनेक्शन भी जुड़ जाता है। देखिएगा आगे, फॉर द पर्पज ऑफ अबव मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर्ड टू इन क्लॉज ए एंड बी इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो ये लिख लेना, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। क्या जुमला है जरा पढ़ो दोस्त। देखो कंट्रोल डायरेक्ट नहीं है, इट इज थ्रू अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, इट इज थ्रू अनदर सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो इस कनेक्शन के अंदर भी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप से यह मामला जोड़ जाता है। The composition of the company's board shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of power exercisable by it at its discretion, discretion का मतलब होता है अपनी मर्जी से, willingly अपनी ease के ऊपर can appoint or remove all or majority of the directors। अगर ये उनके majority या सारे directors को निकालने का अख्तियार रखते हैं तो ये जो है पावर टू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड रख रहे हैं। फ्रेंड्स वो जो तीन पॉइंट्स मैंने बताया ना आपको, ये किताब में नहीं लिखे हुए, इनको आपने अपने पास यहाँ पे लिखना, जहाँ पे लिखा है ना पावर उसके आगे स्टार मार्क करके ऊपर लिखना कि पावर किस तरह आती है हमारे पास। नंबर वन शेयर होल्डिंग, नंबर टू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर थ्री गवर्नमेंट के थ्रू ये इख्तियार हमें मिल जाता है। ओके ये लिख लेनी है बात, ये बात लिख लेनी है। ओके ठीक है, कोई क्वेश्चन एनीथिंग जी, कोई क्वेश्चन यहां तक है तो पूछ लें फिर आगे चलते हैं। ले जी चले आगे, चले आगे। ओके अच्छा एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, वो ये है कि अगर 70% शेयर होल्डिंग नहीं है इनके पास, इनके पास 100% शेयर होल्डिंग है, तो इस कंपनी की कितनी होल्डिंग, सॉरी इस कंपनी के कितने शेयर होल्डर हैं? एक एक शेयर होल्डर है, वन शेयर होल्डर है। हम कहेंगे ये होली ओन सब्सिडरी है, ठीक है। ये क्या है? होली ओन सब्सिडरी है। होली ओन का मतलब है 100% एक और कंपनी इसको कंट्रोल कर रही है, 100% शेयर्स किसी और के पास है। डेफिनेशन मीट हो जाती है 50% प्लस पे, अगर 100% ही किसी और कंपनी के पास है तो क्या है? होली ओन सब्सिडरी है। देखिएगा अच्छा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, होली ओन सब्सिडरी का, उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, दिस इज न्यू, पहले आप लोगों के जो स्कोप है उसके अंदर ये बात नहीं थी। Wholly owned subsidiary, a company shall be deemed to be wholly owned subsidiary of another company or the statutory body if all its shares are owned by that other company or the statutory body. ठीक है, so जिसके पास भी अगर आपके 100% shares हैं तो आप wholly owned subsidiary हो, क्योंकि एक इदारा आपको 100% own कर रहा है। जी दोस्त, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, किसी और के दिन में ही नहीं सवाल आया, आया था पूछा क्यों नहीं। हाँ जी जवाब मैं दे देता हूँ क्योंकि सवाल आगे है, आगे जाके ना हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से कंफ्यूज नहीं हो जाना अभी, अगर किसी को नहीं समझ आएगी तो अभी फिलहाल लेट गो कर देना, आगे जाके हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे मसले को। बिल्कुल दोस्त आप सही कह रहे हो, जिस तरह मैंने कहा कि इसके सारे के सारे शेयर्स एक बंदा ऑन कर रहा है, तो ये तो एक ही मेंबर रख के बैठी हुई है, इसका तो प्राइवेट कंपनी वाला कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, है ना। इस चक्कर में ना हम पता क्या करते हैं, इस चक्कर में हम सिर्फ अपने मिनिमम मेंबर्स की तादाद को पूरा करने के लिए ना, सेफ फॉर एग्जांपल ये प्राइवेट कंपनी होती, ठीक है, सेफ फॉर एग्जांपल ये प्राइवेट कंपनी होती, यहाँ पे एक शेयर होल्डर और होना चाहिए था ना, है ना। हम करते हैं कि अपने इस 100% में से ना एक शेयर इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी और के नाम लगा देते हैं। ओके ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, आपने सही आइडेंटिफाई किया कि अगर एक 100% होली ओन सब्सिडरी बन गई है सो उसका एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर है, तो अगर वो प्राइवेट कंपनी है उसके कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? दो होने चाहिए, ठीक है, दो मेंबर्स होने चाहिए उसके। हम सिर्फ लॉ की इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने वो जो 100% शेयर में से एक शेयर अलग कर लेते हैं, एक 10 रुपये का शेयर, और वो किसी और बंदे के नाम लगा देते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड क्वालिफिकेशन शेयर्स, हम पढ़ेंगे आगे जाके। जी दोस्त हो गया पॉइंट पूरा, ठीक है, ये शेयर ना हमने सिर्फ लॉ की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए किसी और के नाम लगाया,
उस शेयर का ना राइट उसके पास है, ना बेनिफिट उसके पास है, ना डिविडेंड उसको मिलेगा, सब कुछ होली ओन सब्सिडरी की जो मेन पेरेंट कंपनी है वो ही यूज करेगी। सिर्फ लॉ की इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने ये काम किया। हम पढ़ेंगे आगे जाके, अगर किसी को नहीं समझ आई लेट गो ऑफ दिस थिंग फॉर नाउ, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम लॉ की रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा करने के लिए एक शेयर किसी और को लगा देंगे तो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? गुड, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफाई कर ली आपने ये चीज़। नहीं बस देखें, जब ऊपर वाली कंपनी गवर्नमेंट का इदारा है तो वही तो आगे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का ही कंपनी थी या गवर्नमेंट का ही सेटअप था, उन्होंने आगे जब इन्वेस्ट किया सो अगली सब्सिडरी कंपनी पब्लिक सेक्टर बनी है, तो ऑलरेडी पहले गवर्नमेंट का इदारा था जिसने ये इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। फिर बताएं एग्जांपल से बताएं जी, और ये गवर्नमेंट की कंपनी आप ये कह रही हैं? नो 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 नो, ये देखें ये एबीसी के साथ कनेक्टेड नहीं है उस तरह से, इसके बोर्ड के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर रही है, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट का लेकिन बनेगा इनके साथ ही बनेगा, ठीक है, वो ऊपर है इनसे जी। आई थिंक जी जी बिल्कुल होना ज़रूरी है, बिल्कुल होना ज़रूरी है। मैंने आपको शुरू में ये बात की कि गवर्नमेंट बिला वजह किसी कंपनी में इंटरवीन नहीं करती। वन ऑफ द सेक्टर जिसमें ये चीज़ नज़र आती है ना हमें, वो है पावर सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे इस कंपनी का कस्टमर कौन है? एक है बस गवर्नमेंट, और इलेक्ट्रिसिटी बनानी है एक कस्टमर को बेचनी है, वो है गवर्नमेंट। सो ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, इनका लिंक है आपस में। वो कहते हैं कि यार हमारा भी कोई 2, 4, 5 डायरेक्टर्स ले आओ, अगर मेजोरिटी इनके हैं तो फिर क्या होगा, ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा और होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है जी जी। एनीथिंग? चले आगे। सो होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेपर में ये मल्टीपल टाइम नजर आता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो आगे भी आएंगे उनके अंदर हम बार बार होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसको ध्यान में रख लेना ताकि जब आगे हम पढ़ें तो आप लोगों को इसको रेफर करने में डिफिकल्टी ना हो रही हो, ओके। आए जी जरा एग्जाम्पल 12 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड ओन्स 100% शेयर्स ऑफ एक्सवाईजी लिमिटेड, एक्सवाईजी लिमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी होली ओन सब्सिडरी ऑफ एबीसी लिमिटेड। सिंपल सी बात है, उसके पास 100% शेयर्स हैं, सो ये इनके 100% शेयर्स ओन कर रहे हैं, तो होली ओन सब्सिडरी हैं। केआरएल होल्ड 60% शेयर्स आउट ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ अनदर पब्लिक कंपनी एनएसएल, तो ये कहती केआरएल ये ओन कर रही है 60% शेयर्स किसके? एनएसएल के, ओके ठीक है। NSL further owns 14% shares of TIL. NSL ने भी आगे एक TIL में investment की हुई है, कितनी? 14%, ठीक है। NSL has entered into a contract with other shareholders of TIL. देखो किनके साथ contract किया है? Other shareholders of TIL के साथ, shareholders के consent से ये काम होता है, ठीक है। To appoint 4 out of 7 directors on the board of directors of TIL. तो इनके पास 7 directors appoint, 7 में से 4 directors appoint करने का right आ गया, तो majority directors appoint करने का right है? Yes, आ गया, okay, ठीक है। So जी, हमने जी बताना कि explain the relationship with each other under the Companies Act. तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? KRL is the holding company of NSL because more than 50% shares are being controlled by KRL. Okay, आगे. Why? Because majority directors are being appointed by them, इनके पास power to control the composition of the board है। बस खत्म हो गया जवाब? नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी जवाब। आपने ये भी कहना है कि KRL indirectly TIL को भी hold कर रही है, ये तीनों बातें लिखनी है, ये तीसरी बात भी जरूर लिखनी है, फिर जवाब पूरा होता है, ठीक है। हम ये करते हैं, वो ये बात लिख दी खुश हो गए, ठीक है आगे बढ़ गए, नहीं पूरी बात सोच के एक दफा तसल्ली से पूरी बात करनी है। आगे देखो, ML has made equity investment in AL in light of Companies Act 2017 state under what circumstance ML will classify AL as its subsidiary. तो subsidiary company की जो definition है simple सी, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देनी थी। कोई question नहीं यहाँ तक है तो पूछें, फिर आगे चलते हैं। 2-4 हमने छोटी छोटी लेकिन important गुफ्तगू आज और करनी है।
ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने कल भी अंडरस्टैंड कर लिया था, हमने आज भी उसको पढ़ा अच्छे तरीके से, उसको डिटेल में डिस्कस किया। जी दोस्त, जी दोस्त, कितने परसेंट शेयर ले लिए? 60%। दोनों की दोस्त, दोनों की। मैंने आपको देखो अभी थोड़ी देर पहले बात बताया कि कॉन्सेप्ट ये यूं ना जेहन में लेके आओ, कॉन्सेप्ट ये जेहन में लेके आओ कि क्या हम किसी पॉइंट पे कह सकते हैं कि एक कंपनी की दो होल्डिंग कंपनी ज्यादा हो सकती है, कह सकते हैं। देखो हमारी पैकेजेस लिमिटेड जो है वो भी पैकेजेस पावर को कंट्रोल कर रही है इनडायरेक्टली, और पैकेजेस मॉल भी पैकेजेस पावर को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली। तो ये कॉन्सेप्ट नायाब नहीं है कि एक कंपनी की दो होल्डिंग कंपनी है। आप क्या कह रहे हो कि सर एक कंपनी 60% शेयर होल्डिंग की वजह से कनेक्शन जुड़वा रही है और दूसरी जो है वो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की वजह से करवा सके, तो बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेशन मीट हो। ओके जी, हाँ जी, एनीथिंग? चले आगे। जी, दो बिल्कुल ब्रीफ से कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, इनको हम बहुत दफ़ा यूज कर रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल से हैं, बहुत दफ़ा यूज हो रहे होंगे। स्टूडेंट देखो, लॉ बनता है और लॉ को बनाने वाला एक इदारा बनता है, ठीक है। सो लॉ बनाने के लिए और लॉ को इन्फोर्स करने के लिए जो इदारा हमने बनाया हुआ है वो क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपका जिस तरह ट्रैफिक का लॉ बना हुआ है कि रेड लाइट को आपने क्रॉस नहीं करना, दिस एंड दैट, बाकी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है आपने, ये सारा कुछ है। सो इस लॉ को इन्फोर्स करवाने के लिए एक इदारा है जो कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का इदारा है। ओके, ट्रैफिक पुलिस का जो इदारा है वो इस लॉ को इन्फोर्स करवाने के लिए बना हुआ है। ट्रैफिक पुलिस का जो इदारा है वो ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन के बगैर इस लॉ को इन्फोर्स नहीं करवा सकता। उनको ऑन ग्राउंड लोग चाहिए, जब ऑन ग्राउंड लोग मौजूद होंगे, अवेलेबल होंगे, काम करेंगे इस लॉ को इन्फोर्स करवाने के लिए, फिर ही ये लॉ प्रैक्टिकली इन्फोर्स हो सकेगा। इसी तरह ही SECP तो एक इदारा है, इस SECP को भी कुछ अपने एजेंट्स चाहिए जो कि ऑन ग्राउंड चीज़ों को जाके इंश्योर कर रहे होंगे कि क्या है। तो ये ट्रैफिक पुलिस है और ये ट्रैफिक के कांस्टेबल हैं जो कि आपको रोड पे नज़र आते हैं जी, ट्रैफिक को गाइड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जी क्या करना है क्या नहीं करना, चलान चलून कर रहे हैं, सारी चीज़ें इनके थ्रू चल रही होती हैं। सो लॉ इन्फोर्सर या लॉ बनाने वाला जो इदारा है वो आप लोगों का SECP है, और इसको ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें जो बहुत सारे लोग और चाहिए वो कौन है जी? रजिस्ट्रार। उनके लिए टर्मिनोलॉजी होती है रजिस्ट्रार। हम देखेंगे SECP जो है उसके पास हम तब जाएंगे जब हम कहीं फंस जाएंगे। हम कहेंगे यार ये एक चीज करनी थी, इसके अंदर हम फंस गए हैं, नहीं समझ आ रही, किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास। जो छोटे मोटे रेगुलर काम होंगे ना, कोई कागज जमा कराना है, कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना है, जिस तरह से सिंपल अभी हम लोगों ने बात की ना, मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट होता है बनाना होता है, अपने आर्टिकल एक डॉक्यूमेंट होता है बनाना होता है, वो आपने किसको जाके जमा करवाने हैं? रजिस्ट्रार को जमा करवाने हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे कंपनी का नाम फाइनल करना होता है, ये आपने किसके साथ लॉक करना होता है? रजिस्ट्रार के साथ। फर्ज करो रजिस्ट्रार तंग कर रहा है, फिर क्या करेंगे? फिर SECP के पास जाएंगे, फिर कमीशन के पास हम एक स्टेप अप जाएंगे। तो रजिस्ट्रार क्या है? वो बंदा जो कि अक्सर कागज इकट्ठा करता हुआ पाया जाएगा। अब देखना जहां पे भी हम कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे ना अपने लॉ में, जहां पे भी कोई डॉक्यूमेंटेशन हम बनाएंगे वो कागज हमें किस पर जमा करवा देना होगा? रजिस्ट्रार को। कहीं फंसेंगे, कहीं अप्रूवल चाहिए होगी, कहीं कोई स्पेशल चीज को हमने करवाना होगा, तो हम किसके पास जाएंगे? SECP के पास जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रार साहब के पास भी कभी कभार चले जाएंगे, लेकिन मोस्टली केसेस में हम कहां जा रहे होंगे? SECP के पास। ओके, तो SECP का जी जो इदारा है ये बहुत सालों पुराना नहीं है, ऑल्दो खैर इतना रिसेंट भी नहीं है, ठीक है। 1999 में ये क्रिएट किया गया। इससे पहले एक और इदारा था जो कि काम करता था, विच वॉज कॉल्ड कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, ठीक है, विच वॉज कॉल्ड कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। इसको हमने ख़त्म कर दिया, SECP का इदारा हम जो है वो ले आए। इस इदारे का जो हेड ऑफिस है, जिसने देखा हुआ वैसे इस्लामाबाद से कोई बिलोंग करता है? हाँ जी, देखा हुआ दोस्त, देखा हुआ, सॉरी जी, लाहौर वाला देखा हुआ। ओके, ठीक है, इस्लामाबाद में जी हेड ऑफिस है इनका, और फिर सारे प्रोविंशियल कैपिटल्स में भी ऑफिस हैं। कौन कौन से जी प्रोविंशियल कैपिटल्स? जी हाँ जी, तो प्रोविंशियल कैपिटल्स में भी हैं, फिर कुछ और आपके छोटे मोटे ऑफिस भी हैं। अभी रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इनका जो ऑफिस है वो ओपन हुआ है, ठीक है, वहाँ भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। तो इनके मल्टीपल ऑफिस हैं। देखो ये ऑफिस कितने हैं? 5, 7, 8, 10, इससे ज़्यादा नहीं है। SECP के ऑफिस इससे ज़्यादा नहीं है।
लेकिन रजिस्ट्रार हर लोकेशंस के हैं। लाहौर में मल्टीपल रजिस्ट्रार्स अवेलेबल हैं, ओके, जो कि सारी जुरिसडिक्शन के लिहाज से आपने डिवाइड किया हुआ कि इस जुरिसडिक्शन की कंपनीज को ये हैंडल करेंगे, इस जुरिसडिक्शन की कंपनीज को ये हैंडल करेंगे, आपने डिवाइड किया हुआ है ताकि ये जो लॉ की इन्फोर्समेंट है ये हो सके, ठीक है, ओके। हाँ जरा देखते हैं, तो जी 3.1 Commission means the Securities and Exchange Commission of Pakistan constituted under Section 3 of Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1997. इसका इतना पूरा कानून है जिसके तहत ये बने हुए हैं, ओके। Securities and Exchange Commission of Pakistan SECP established under the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act was operationalized on 1st January 1999. SECP replaced Corporate Law Authority, the former corporate regulatory body. It has been vested with adequate operational administration and financial autonomy. Autonomy ka kya matlab hota hai? Khud mukhtari, theek hai? Independence. Ye apne faisle kis cheez se related? Operational faisle, administrative faisle, financial faisle khud kar sakte hain. Kanoon ne inko jo hai ye haq de diya. Offices ji, SECP head office is at Federal Capital. Obviously ji head office Federal Capital mein hoga, Islamabad. And has 8 regional offices, जो आप लोगों के जी कहाँ कहाँ पे हैं जी, ये हैं आप लोगों के regional offices, companies, registration offices, 1 at federal capital, 4 at provincial capitals and 3 in other major cities, मुल्तान, फैसलाबाद एंड सखर, ठीक है। अच्छा वैसे ना ये वाली गुफ्तगू, ये गुफ्तगू एग्जामिनेबल बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्होंने कहा ना जी बताएं जी इनमें से बताएं कहाँ कहाँ ऑफिस है, इस तरह का सवाल नहीं आएगा, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ आप लोग, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा। तो दिस इज प्रॉब्ली जस्ट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जिसको हमने बस एक दफ़ा पढ़ लेना है, थोड़ा सा जरा जहन में रख लेना और एग्जीक्यूशन कर लेनी है। अगर कभी आ गया कोई बैड डे, बड़ा ही बुरा दिन हुआ, तो किसी एमसीक्यू में पूछ लेगा वो, ठीक है। अदर देन दैट आई डोंट सी अ क्वेश्चन कि एससीसीपी के टॉपिक में से कुछ सवाल पूछे। हाँ, कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्या काम है, क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Commission shall exercise such powers and perform such functions as are conferred to it, as are conferred ka matlab hota hai given, authorized, theek hai, on it by or under the Companies Act. The powers and functions of the Commission under Companies Act are in addition to the powers and functions of the Commission under Securities and Exchange Commission of Pakistan Act. अपना भी कानून है, उसके अंडर भी जो अख्तियार है वो भी इस्तेमाल करेंगे और जो इस कानून में अख्तियार मिल रहे हैं उनको भी यूज करेंगे। SECP has been vested with lot of power under the Companies Act and other relevant laws. SECP has got powers to regulate the affairs of all the companies, including insurance companies. Insurance companies आप लोगों के स्कोप में नहीं है, banking companies and other companies. ये दोनों companies के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे? CFAB में पढ़ोगे, okay? तो insurance and banking companies के बारे में वहाँ पे discussion करोगे. Law has vested various powers to SECP and also federal government is empowered to vest its power to SECP to the extent it think fit. अगर federal government के पास कोई इख्तियार है और वो ये कहते हैं यार ये एससीसीपी के थ्रू इख्तियार हम इस्तेमाल करवा देते हैं, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। वो भी गवर्नमेंट भी इनको कोई पावर डेलीगेट कर सकती है कि ये इख्तियार तो हमारा है, आप यूज़ कर दें, आपके पास जो है कॉम्पिटेंट लोग हैं जो कि इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन? तो ध्यान में रखना है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल चीज़ नहीं है, रटिंग लगाने में अच्छा जी कहाँ कहाँ, अच्छा जी फैसलाबाद सखर, ओहो वो याद नहीं आ रहा मुल्तान, ठीक है, ओके, दिस नॉट That much examinable, okay? उस तरह से ये वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रार देखो, अच्छा रजिस्ट्रार साहब के लिए ना बहुत सारे नाम यूज हो रहे होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, क्योंकि ये मैंने बताया ऑन ग्राउंड लोग हैं, मल्टीपल रैंक्स के लोग होते हैं जी। दोस्त दोस्त देखो, जब लॉ आपने बना लिया तो फिर आपने अगर पनिशमेंट लिखनी है तो आप तब भी वहाँ लिखोगे। कभी कभार आप पनिशमेंट ये लिखोगे कि जी हम एससीसीपी के पास चले जाएंगे और उनको इख्तियार देंगे कि वो डिसाइड करें कि क्या जो है पनिशमेंट इस पर्टिकुलर केस के अंदर होनी चाहिए, ओके। नहीं जी, रजिस्ट्रार साहब के लिए जी जो है ना वो कॉन्सेप्ट हर नाम के साथ यूज होगा। जूनियर रजिस्ट्रार हो सकता है, ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने जब फर्म में जाना है ना, जब आपने फर्म में जाना है तब आप लोग सबसे पहले होगे प्रोबेशनर, फिर आप बनोगे जूनियर, फिर आप बनोगे सेमी सीनियर, फिर आप बनोगे सीनियर, फिर आप बनोगे सुपरवाइजर, फिर आप बनोगे असिस्टेंट मैनेजर, फिर आप बनोगे मैनेजर, फिर आप बनोगे सीनियर मैनेजर, फिर आप बनोगे एसोसिएट डायरेक्टर, फिर आप बनोगे डायरेक्टर, फिर आप बनोगे पार्टनर, हैं? तो अभी आप इस बोर्ड पे भी नहीं हो,
ठीक है, सो यहाँ तक का सफर अभी पहले बोर्ड पे आए, ठीक है, उसके लिए ये वाले एग्जामिनेशन पास करना जरूरी है। अच्छा मजे की बात ये सारे हैं ऑडिटर्स भी, ठीक है, सारे ये कलेक्टिवली ऑडिटर ही कहलाते हैं। तो इसलिए हम रजिस्ट्रार के लिए भी एक कॉन्सेप्ट लेंगे, जूनियर रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जो भी है रजिस्ट्रार ही है, उसके पास एक जैसे ही इख्तियार होते हैं, कुछ रैंक में सीनियर होते हैं, कुछ रैंक में जूनियर होते हैं। ऑडिटर्स के पास भी सारों के पास एक इख्तियार है, फिर चाहे वो पार्टनर ना भी हों। अभी देखिएगा, रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्ट्रार एंड एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पहले इसके अलावा भी कोई आ गया, ठीक है, सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिनेट बाय द कमीशन परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शन अंडर कंपनीज एक्ट, तो वो भी काम चल जाएगा। कल को दो तीन इनको और यहाँ पे लोगों की जरूरत पेश आ गई, उनको भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं जी, पावर एंड ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी टू रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स विच द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द अथॉरिटी अंडर कंपनीज एक्ट। मैंने ये बात आप लोगों को बताई, रजिस्ट्रार साहब क्या कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हुए पाए जाएंगे, इनको हमने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो शेयर करते चले जानी है। ही कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस, इसको ना अंडरलाइन कर लीजिएगा, मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस को, इसका एक पूरा चैप्टर है जो कि हम लोगों ने पढ़ना है, अभी नहीं हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको अगर अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, टू बी डिस्कस्ड इन द रेलिवेंट चैप्टर, उस टाइम बताऊंगा, ओके, उस टाइम बताऊंगा, अभी नहीं। सिंपल ये कागज इकट्ठे करने वाली बात है, बिल्कुल सिंपल बेसिकली जो बता रहा हूँ, कागज इकट्ठे करने वाली बात है। एंड ऑल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ कंपनीज रूटीन डॉक्यूमेंट्स बिसाइड हिज पास टू कॉल द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, एंड ही इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो रिकॉर्ड है बुक्स है हमको देख सकते हैं। He may seize the books and records if he believes that seizure is necessary to reach out certain facts by SECP. अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कह रहे हैं कि यार यही ना हो कहीं कागज आगे पीछे कर दें इनके ऊपर, जरा सीजर लगा देते हैं, उठा के ले जाते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो ये काम भी आप कर सकते हो। अगेन मुझे नहीं लगता कि इसमें से कभी कोई सवाल आएगा, ठीक है, कि जी चलिए बताएंगे जो सर अपने जी मॉर्गेज चार्ज या सीजर करना है, नो, अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो है। कोई क्वेश्चन जी यहाँ तक, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो ये वाली गपशप बस हम लोगों ने ये ध्यान में रखना है, एक बिल्कुल जो बेसिक मोटी बात हम लोगों ने ध्यान में रखी है ना, वो ये है कि SECP एक ऐसा इदारा है जो कि लॉ मेकर है, लॉ इन्फोर्सर है, और इसको ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में कौन हेल्प करते हैं, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करते हुए पाए जाएंगे, और जो हमारा SECP है वो क्या कर रहा होगा, वो हमें अप्रूवल्स वगैरह कहीं पर फंस रहे होंगे तो हमें गाइडेंस दे रहा होगा। कोई क्वेश्चन नहीं जी, आगे चलते हैं जी जरा, ओके नहीं जी, ध्यान से अगले जो 15 मिनट की हमारी गुफ्तगू है जरा ध्यान से आप लोगों ने सुनिए, उसको ध्यान से समझना, इसमें छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं जिनको हमने ज़रा अंडरस्टैंड करके आगे लेके चलना है। अच्छा स्टूडेंट्स देखो, हम लोग ना कहीं पे टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे डायरेक्टर्स की, तो ये वो लोग हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन मेकर्स हैं कंपनी के, और फिर इनमें हम कभी कभार ना टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे CEO की, CEO इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स, CEO इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स। अगर मैं कहूँ CEO तो क्या वो सारे डायरेक्टर्स को कवर कर रही है बात? नहीं, वो सारे डायरेक्टर्स को कवर नहीं कर रही बात, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को CEO को कवर कर रही है। अगर मैं कहूँ डायरेक्टर्स तो उसमें CEO भी और बाकी जितने डायरेक्टर्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। सॉरी अच्छा एक और चीज वो ये है कि आप लोगों की टर्मिनोलॉजी है ऑफिसर्स, ठीक है, वैसे तो हर बंदा ये अपने आप में एक अफसर होता है, ठीक है, लेकिन अंडर द लॉ कौन ऑफिसर्स होंगे इस चीज को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसके अंदर ऑब्वियसली ये भी और कुछ और लोग भी आ जाएंगे, जब हम कहेंगे ना दिस अप्लाई टू द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, इसका मतलब है ये जो डेफिनेशन में हम जिन लोगों को पढ़ने लगे हैं ना इन सब पे ये चीज अप्लाई होगी, इन सब ने इसको फॉलो करना है। ओके ध्यान से देखो जी, वो कह रहे हैं इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, इसका मतलब है डायरेक्टर भी आ गया इसके अंदर ऑफिसर्स के अंदर, इसके अंदर सीईओ भी आ गया, ठीक है, डायरेक्टर सीईओ भी आ गया इसके अंदर CFO भी आ गया, ठीक है, इसके अंदर CFO भी आ गया आप लोगों का। जब आप लोग प्रैक्टिकली प्रैक्टिस से निकल के इंडस्ट्री में जाओगे तो जो फाइनेंस की हाईएस्ट पोजिशन होगी जिसके लिए आप लोग एस्पायर कर रहे होगे वो क्या होगी, दिस पोजिशन, ठीक है, वो जो फाइनेंस की ये वाली पोजिशन होगी इसके लिए आप एस्पायर कर रहे होगे वो ये, फिर ये बनोगे, फिर ये बनोगे उसके बाद, ठीक है, ओके।
लें जी, अगली जो बात है वो है कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, कंपनी सेक्रेटरी क्या है, हम इसके बारे में आगे जाके डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। अभी समझ लो कि क्या, मैं आप अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। ये जो लॉ सारा हम पढ़ रहे हैं ना, इसको जो इन्फोर्स करवाने के लिए कंपनी में एक बंदा, इसकी एप्लीकेबिलिटी कंपनी को इंश्योर करवाने के लिए कंपनी में जो एक बंदा चाहिए होता है वो क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है। ठीक है, वो क्या कहता है, वो बताता है जी मीटिंग आनी है, इसको आपने इतने दिन पहले नोटिस भिजवाना है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऐसे बनेंगे, ये देखेंगे कॉन्सेप्ट इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, ये मेंबर्स हैं 50 से ज्यादा तो नहीं होंगे, वो सारी की सारी चीजें देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कंपनी सेक्रेटरी। इट्स अ वेरी की रोल, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी काम कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री में आपको नजर आएंगे। एंड अदर ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द कंपनी, अगर जी कोई और भी हम कह देंगे कि ये बंदा भी ऑथराइज है टू मेक अ डिसीजन लाइक दीज पर्टिकुलर पीपल, तो वो भी हमारे लिए ऑफिसर्स की कैटेगरी में आएंगे। इसका मतलब है जब मैं सीईओ की बात कर रहा हूँ तो मैं सबसे स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, जब मैं कहूँगा डायरेक्टर्स तो थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन बिग कर दी, और फिर जब मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ मैंने और हराइजन जो है ना वो बड़ा कर दिया। अगर मैं कहूँगा ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी तो उसमें और सारे लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, उसमें और सारे लोग भी आ जाएंगे, मैंने सबको ही कवर कर लिया है। ओके, सो ऑफिसर की टर्मिनोलॉजी बड़ी है, डायरेक्टर की टर्मिनोलॉजी स्मॉल है, सीईओ की टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक है। कोई क्वेश्चन? जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि सीएफओ डायरेक्टर भी हो, एक और पोजीशन भी होती है सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, हो सकता है ये डायरेक्टर भी हो, सो वो ऑफिसर भी है, वो सीएफओ भी है और वो डायरेक्टर भी है ना। ओके, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया सीईओ, सीईओ भी और डायरेक्टर भी है, और आपको पता चल गया वो और क्या भी है, ऑफिसर भी है। ओके, ठीक है, ले जी बोर्ड की डेफिनेशन दी। बोर्ड हमें पता है कि डायरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बोर्ड। हमने भी एक बोर्ड बनाया था आसिफ आमिर एंड सलमान का, याद है? ठीक है, हम लोगों ने भी एक बोर्ड बनाया था आसिफ आमिर एंड सलमान का, हमने बोर्ड डायरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन बनाया था। बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स are called board meetings in which they make decisions on behalf of the company. ऐसा नहीं होता कि एक डायरेक्टर इधर से आ रहा है कॉरिडोर में और एक इधर से आ रहा है, दोनों कह रहे हैं हाँ यार ये फैसला कर दे, हाँ ठीक है जी, बस कह के निकल गए। ऐसा नहीं होता, एक फॉर्मल इन्वायरमेंट होती है, उस फॉर्मल इन्वायरमेंट में बैठते हैं, उसके अंदर डिस्कशन होती है और फिर कोई फैसले जो है वो किए जाते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन? ले जी जी, होता है चेयरमैन, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ही चेयरमैन होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है आगे जाके पढ़ेंगे। ले जी, मैंने जी आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स के डिफरेंस का, कौन था जी वो? हाँ जी, याद है शुरू में क्वेश्चन हमने पूछा था। ठीक है, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है सर, ये जरा बताएं। आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था स्लाइड से मैंने बता दिया था, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था डिटेल में मैं आगे जाके बताऊंगा, और उसका मैंने लिंक जोड़ा था आप लोगों के टाइप्स ऑफ कंपनीज की डिस्कशन से। ठीक है, डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं पहले, लेकिन हम समझते हैं कि है क्या बात। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, क्या हर कंपनी में शेयर कैपिटल होगा? आपने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ ली है, क्या हर कंपनी में शेयर कैपिटल होता है? उसका जो मालिक होगा उसको हम शेयर होल्डर कह सकते हैं जी, उसके मालिक को हम शेयर होल्डर कह सकते हैं। क्या हर कंपनी में शेयर कैपिटल है? सबसे पहले तो ये बताओ, नहीं है। गारंटी लिमिटेड कंपनी के अंदर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल कोई नहीं है, ऐसे ही है, इट्स अ कंपनी, प्रॉपर कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी, सब कुछ है। क्या इसके जिस बंदे ने गारंटी दी हुई है उसको हम शेयर होल्डर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसको हम क्या कहेंगे? मेंबर। इसको हम क्या कहेंगे? मेंबर। लेकिन एक ऐसा बंदा जो शेयर होल्डर भी है, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है और शेयर्स में वो उसके पास शेयर्स का अख्तियार है, तो वो शेयर होल्डर भी कहलाता है और मेंबर भी कहलाता है। तो मैं एक जुमला बोलता हूं, मुझे बताना कि मैं ट्रू कह रहा हूं या फॉल्स कह रहा हूं। हर मेंबर शेयर होल्डर भी होता है, हाँ जी, हर मेंबर शेयर होल्डर भी होता है, फॉल्स है ये। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनी हो सकती हैं जिनमें शेयर कैपिटल हो ही ना, है ना, और हर शेयर होल्डर मेंबर भी होता है। ये जुमला क्या है? ये ट्रू है, क्योंकि हर शेयर होल्डर शेयर होल्डिंग की वजह से मेंबर भी बन जाता है। ये बात हमने फॉलो कर ली है, ठीक है, अब तो नहीं कोई कंफ्यूजन, ठीक है दोस्त, समझ आ गई है? ओके, उस पॉइंट पे हम लोग ये बात नहीं समझ पाते थे क्योंकि हमें टाइप्स ऑफ कंपनीज का पता नहीं था। अब हमें पता है, तो हमने बड़ी इजीली इसको समझ लिया कि यार ठीक है, अगर एक कंपनी उसमें शेयर ही नहीं है तो जाहिर बात है उसका जो मालिक है वो मेंबर कहलाएगा, शेयर होल्डर थोड़ी कहलाएगा। लेकिन अगर एक कंपनी है उसमें शेयर भी हैं तो हम उसको शेयर होल्डर भी कहेंगे और मेंबर भी कहेंगे। ओके, जरा देखिएगा, मेंबर ऑफ अ कंपनी,
नजर आ रहे हैं? नो यस नो यस नजर आ भी रहे तो नीयत खत्म हो गई है। फ्रेंड्स आपका ये जो लॉ है ना, ये बिट्स एंड पीसेस में हम पढ़े ना, आप देखो कि जिस तरह अगले टॉपिक्स आएंगे ना, चीज़ें कनेक्ट होती चली जाएंगी। आप देख रहे हो हम आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं ना, वो आगे जाके कनेक्ट होती जा रही है, अगली चीज़ों से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, आपके जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक्स भी होंगे ना, उनमें भी मैं सबसे पहले पहले टॉपिक्स का जिक्र कर रहा, कुछ चार पाँच चैप्टर्स के बाद ना नई बातें आना बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, जो आपके बेसिक चार पाँच चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो नई बातें आना बहुत कम हो जाएंगी। वही बातें किसी डिफरेंट एंगल से, किसी डिफरेंट तरीके से हम कनेक्ट करके पढ़ रहे होंगे कि जी देखें इस सिनेरियो में ये क्या होगा, इस सिचुएशन में हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। सो आपने ना अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत पक्की रखनी है, कहीं आगे जाके मैं कहूँ यार गारंटी लिमिटेड कंपनी में ब्लैंक हो आप, दैट्स नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू वर्क। आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट को बड़ा पक्का करना है, ध्यान से तसल्ली से उसको अपने एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना। ओके ठीक है, क्या हम बहुत स्लो तो नहीं चल रहे? किसी को ये फीलिंग आ रही हो, आती है कोई स्टूडेंट को फीलिंग कि नहीं बहुत स्लो पढ़ रहे हैं? ठीक है सर, आपने पहले एक दो दिन तो वो गपशप ही लगाने में स्पेंड कर दिया, लेकिन वो कनेक्टिविटी थी आपके कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, किसी को ये लग रहा हो कि हम बहुत तेज पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीडली पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमने यही पेस रखना है, हम एंड तक यही पेस रखेंगे, एक डेढ़ सफ़ा एक डेढ़ सफ़ा, उससे ज़्यादा हम डेली नहीं पढ़ रहे होंगे। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो डेली की डेली प्रिपरेशन के अंदर ले आओ। डेली की प्रिपरेशन के अंदर जब आप वो चीज़ लेके आओगे, तो आप लोगों के पास हफ्ते के एंड में 5 घंटों की डिस्कशन होगी जो आपने तैयार करनी है, और नेक्स्ट वीक आप लोगों ने उसकी टेस्ट के अंदर एग्जीक्यूशन करनी है। सो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोगों ने पूरे हफ्ते का पढ़ना है, साथ साथ डेली पढ़ना है, और फिर टेस्ट की तैयारी करके इसको पक्का कर लेना है, नो अदर थिंग। ठीक है बजी, आए जरा मेंबर ऑफ अ कंपनी की बात कर रहे थे। The subscriber to the memorandum of association are deemed to have agreed to become members of the company. Friends, हम लोगों ने ना एक डॉक्यूमेंट पढ़ना है जिसके बारे में आपको बेसिक चीट बताया था, वो ये था कि जी ये कंपनी जब बनती है तो कंपनी उसके एक्सटर्नल मामला को कनेक्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। जो इस मेमोरेंडम पे साइन करेगा, इसके उसको सब्सक्राइब करने में जिसका नाम मैंशन होगा, इसने ऑटोमेटिकली कंपनी का मेंबर बनने के लिए एग्री कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ये मेंबर होता है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ये मेंबर बन जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर भी बन रहा है, इसका शेयर भी होंगे, सब्सक्राइब कर रहा होगा उनको। ओके, आगे देखो, एंड बिकम्स ऑनेस्ट रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हो जाता है, तो फिर ये मेंबर बन जाएंगे उसके जी। ठीक है, ओके, एंड एवरी अदर पर्सन to whom is allotted or who become holder of any class or kind of shares, जिसके पास भी किसी किस्म के शेयर आएंगे, जो किसी किस्म के शेयर का मालिक होगा, वो क्या होगा? मेंबर होगा, और वो साथ साथ क्या होगा? शेयर होल्डर भी होगा, मेंबर भी होगा और शेयर होल्डर भी होगा। और देखो, और उसने कहा कि दूसरी बात भी है, इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इसमें तो शेयर कैपिटल है ही नहीं। सो जी, एनी पर्सन हु इज एग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी, वो हमारा मेंबर होगा, और वो कैसे एग्री करते हैं? गारंटी करके, और कैसे एग्री करते हैं? गारंटी करके एग्री करते हैं दैट वी एग्री टू बी मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। ओके लें जी, द टर्म शेयर, ओके सॉरी, दो एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सिर्फ ये डेफिनेशन मीट करना नहीं, आपका एक मेंबर्स का रजिस्टर होता है जिसमें नाम लिखे होते हैं कि ये कंपनी के मेंबर्स हैं। जिस तरह आप लोगों की भी एक लिस्ट है ना, क्लास के जो एंट्रेंट्स हैं उनके नाम वहाँ पे मेंशन है, तो एक रजिस्टर होता है मेंबर्स का, वहाँ पे नाम आपका होना चाहिए, जब नाम वहाँ पे है तो यू आर अ मेंबर। द टर्म शेयर होल्डर्स एंड मेंबर इज यूज इंटरचेंजेबली, जिस तरह मैंने भी आप लोगों को बताया कि मेंबर शेयर होल्डर टर्म आप यूज कर सकते हो, बट फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट मेंबर इज अ ब्रॉडर टर्म, मैंने भी आप लोगों को बताया, नॉट एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर, बट एवरी आप जो है वो मेंबर को ये कह सकते हो कि हाँ ये शेयर होल्डर की कैटेगरी के साथ टैग भी हो सकेगा। ठीक है, ओके क्लियर है, कोई क्वेश्चन? जी, जो अभी आपने पहले बताया था होली ऑन जैसे छोटी कंपनीज होती हैं उसमें रिक्वायरमेंट ये 1% शेयर दे रही थी, अब उनको तो कोई बेनिफिट नहीं रहा, वो फिर भी मेंबर्स को शेयर होल्डर होंगे। जी मिसान जी, ठीक है, हम लोग ये लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कॉस्मेटिक चेंज, ठीक है, दिस इज जस्ट अ कॉस्मेटिक चेंज। ओके, पढ़ेंगे हम आगे जाके।
अभी जो है ना ये बड़ा एडवांस क्वेश्चन कर लिया हमारे दोस्त ने, ठीक है, उसने बड़ी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन से चीज़ पे कर ली, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उनको कोई बेनिफिट नहीं होता इस चीज़ का, कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जस्ट लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जी दोस्त, यही बात ही जी, एनीथिंग ओके जी, यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से जी पढ़ के आना है, यहाँ तक आप लोगों ने चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार करके आनी है। बिफोर वी कंक्लूड, जस्ट एक चीज पढ़ नहीं रहेगी, ठीक है, ज़रा ध्यान में रखनी है। देखो जो अगली गुफ्तगू हमने करनी है ना, वो हमने ये करनी है कि कंपनीज में फैसले कैसे किए जाते हैं, ठीक है, कंपनी में फैसले कैसे किए जाते हैं। याद रखना फैसलों की दो टाइप्स होती हैं, जिस तरह आपकी नॉर्मल लाइफ में भी एक होता है ना रूटीन में किए जाने वाले फैसले, आपको जी पता है मैंने ब्रेड खरीदनी है, डेली खरीदनी होती है, जो रास्ते में जो है मुझे नियरेस्ट शॉप मिलेगी वहाँ से ब्रेड खरीद लूँगा, मैंने जी कोई वहाँ से कोई शॉपिंग करनी है, कोई भी जो सुपरमार्केट मिलेगा वहाँ से शॉपिंग करूँगा, ये रूटीन फैसले हैं ना, ये रूटीन फैसले हैं। अगर अब आपने कार खरीदी हो, ठीक है, आपका पैसे आपका इरादा है कि जी मैंने SUV खरीदी है, तो क्या ये एक रूटीन फैसला है, बस चलते फिरते फैसला कर लोगे क्या भाई गाड़ी खरीद लेते, नो, दिस इज अ स्पेशल डिसीजन। आप कहोगे कि यार इसके लिए मुझे प्लान करना है, मुझे कुछ अपने घर वालों से मशवरा करने की जरूरत भी है, मुझे इसको डिटेल में सोचने की जरूरत है, फिर मैं इसके ऊपर फैसला कर सकूंगा। कंपनीज में भी बिल्कुल यही तरीका होता है, कुछ फैसले होते हैं रूटीन रूटीन के फैसले, अच्छा जी यार ये चीज़ सेल करनी है कर दें सेल, ये क्या है नॉर्मल सी एक डिसीजन है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने कंपनी अपनी जो है वो डिसइन्वेस्ट कर देनी है, अपनी कंपनी के मामला को जो है हमने अपने डिफरेंट तरीके से चलाना है, तो ये एक डिफरेंट मेजर फैसला है। तो हम देखेंगे कल कंपनीज में ना डिसीजन के ये दो तरीके यूज हो रहे हैं, एक सिंपल सिंपल डिसीजन करने के, रूटीन मैटर्स के डिसीजन करने के लिए, और एक स्पेशल डिसीजन करने के लिए, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोगों ने अपने साथ लेके जानी है, कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।